हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, तो वो पार्ट वन वीडियो है, तो वो आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये पार्ट टू वीडियो है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं उसके आगे का, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ने ये सब पढ़ लिया था पार्ट वन में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हम लोग ने पढ़े थे, यहाँ तक शेप्स तक, ठीक है। एल्गी, स्पाइरिगोरा, प्रोटोजोआ, पैरामेशियम, अमीबा, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे का कवर करने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लास एट का चैप्टर टू, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, एनसीईआरटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है दोस्तों, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे दोस्त हैं, ठीक है, फ्रेंडली है हमारे साथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है वो बहुत सारे मतलब कामों में होता है, ठीक है, वेरियस पर्पस से होता है, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या चीज़ में यूज होता है, कर्ड को बनाने में, दही को बनाने में, ब्रेड को बनाने में, या फिर केक को बनाने में, ठीक है। किसका यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज्ड होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका यूज्ड कितना पर्पस से हो रहा है, ठीक है, वेरियस पर्पस, मतलब बहुत सारा यूज इसका होता है, ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं हम लोग कोई कुछ चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि दही हो गए, ब्रेड हो गए, केक हो गए, अल्कोहल हो गए, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है वो क्लीन अप करने के लिए भी होता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप भी करता है, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए जानते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्टेज, द ऑर्गेनिक वेस्टेज वेजिटेबल पील्स रिमेन ऑफ एनिमल्स फीसेस एटीसी आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। अब इसमें दोस्तों क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग सब्जी काटते हैं, ठीक है, तो जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट है, ठीक है, एनिमल्स का, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इनटू हार्मलेस, ठीक है, और वो यूजेबल होता है, ठीक है, मतलब यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया यूज कर लेता है, ठीक है, जो ब्रेकडाउन होता है ना दोस्तों, तो उसको बैक्टीरिया यूज कर लेता है, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए वो यूजेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद रिकॉल्ड एट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो जो बैक्टीरिया जो होता है उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, मेडिसिन्स को बनाने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स को बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी वो बहुत से हेल्प करते हैं, जैसे कि वो सॉइल फर्टिलिटी मतलब इंक्रीज करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मींस, जैसे कि अगर कोई फर्टाइल लैंड है तो उस पर कोई भी चीज़ अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, या फिर फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस होता है जिससे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज होता है, ठीक है, और वो बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी में। कौन हेल्प करता है दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे पहले फिगर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है 2.5 फिगर वायरसेस, ठीक है, तो ये इसमें क्या बोल रहा है, ये वायरस का फिगर है, ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ का फिगर है, वायरस का। अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। अब हमें इसमें जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर रहते कहाँ पे हैं, ठीक है दोस्तों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मे बी सिंगल सेल्ड हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया की तरह, ठीक है, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर, ठीक है, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, सच एज एल्गी एंड फंगी, ठीक है, जैसे कि एल्गी और जो फंगी है, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, क्या है, मल्टी सेलुलर। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। और ये कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब
जितने भी टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं उन सब में ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, रैंगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट, ठीक है, जहाँ पे कोल्ड हो, हॉट हो, स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, ठीक है, ये हर जगह ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ठीक है, मतलब ह्यूमन्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। अब इसमें दोस्तों क्या बोला है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लीव अलोन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, ठीक है, तो वो अकेले रह सकता है, ठीक है, लीव अलोन, वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया मे लीव इन क्लोनीज। लेकिन जो फंगी और बैक्टीरिया है वो एक क्लोनीज में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लोनीज का भी एक फिगर होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो फंगी है और जो बैक्टीरिया है वो एक क्लोनीज में रहते हैं, लेकिन जो अमीबा है वो अकेले रहता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2.3 में, दोस्तों क्या बोल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अस, अस मतलब हम सब, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल कॉज डिजीजेस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो हमें हार्मफुल पहुँचाते हैं, ठीक है, और हमें डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं पूरे डिटेल के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे बोल रहा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है। अब जैसे कि कर्ड और ब्रेड को बनाने के लिए, ठीक है, मतलब बन रहा है, ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7, ठीक है, डैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप लोगों ने 7 क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो मिल्क होता है वो कर्ड में बदल जाता है, ठीक है, कर्ड बन जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो मिल्क है वो टर्न किस में हो जाता है? कर्ड में, ठीक है। आई सॉ डैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर वाई। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मेरी मम्मा है, ठीक है, वो एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, थोड़े से गर्म सुसुम जो मिल्क है उसमें वो कर्ड ऐड करती हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। आई वंडर वाई। फिर मैं सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दोस्तों कर्ड है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन किया रहता है, मतलब उसमें होता है, ठीक है। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिसमें से लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो प्रोमोट करता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए, वो कर्ड बनाने में हेल्प करता है, कौन? लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। अब वो क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है मिल्क को, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया और भी बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करती हैं, जैसे कि उससे हम लोग चीज़ बना सकते हैं, किसे? बैक्टीरिया से पिकल्स, अचार बन सकता है, ठीक है, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, और भी बहुत सारे फूड आइटम्स बन सकता है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ रावा, सूजी, इडलीज एंड भतूराज इज कर्ड। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंग्रेडिएंट जो हैं दोस्तों, जैसे कि सूजी हो गया, इडलीज हो गया और भतूराज हो गया, इस कर्ड। कैन यू गेस वाई इसमें कर्ड का इस्तेमाल होता है? क्या आप लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पार्ट 3 वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।